आज हम पार्टनरशिप बेसिक के एमसीक्यूज पे बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, कि बेसिक पार्टनरशिप में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटैम्प करने। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये चैप्टर का नाम आया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हिंदी में मिलेंगे क्वेश्चन। चलिए, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी। वेल, हमसे पूछा गया है कि अगर पार्टनर्स ने समझौता ना किया हो तो जो लोन होगा उस पर ब्याज की रेट क्या होगी। जनरली सबके दिमाग में आएगा 6%, और फटाक से आप 6% यानी ए ऑप्शन पे आंसर लगा देंगे। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6% होता है पर एनम, 6% पर एनम, और ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 6% पर मंथ। इन्होंने क्या किया, हमारे साथ चीटिंग की, पर एनम में कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, सारे मंथ में ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब आप 12 से डिवाइड करो, 6 को डिवाइड करो 12 से, तो बनेगा 0.5%। तो इसका आंसर होगा 0.5% पर मंथ। यानी ओरिजिनली इस क्वेश्चन का आंसर होता है 6% पर एनम, पर क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से इसका आंसर होगा 0.5 पर मंथ, यानी बी आंसर होगा। चलिए, होप आपको ठीक लगा होगा। दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आता है। क्वेश्चन कहता है, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि अनुपात होगा, पूंजी का अनुपात बराबर त्याग का अनुपात में, या जैसा साझेदारों ने तय किया हो। देखिए, आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, दैट इज़ आपने पार्टनरशिप की थी तो आपको राइटिंग में अग्रीमेंट करना चाहिए। आपने राइटिंग में अग्रीमेंट नहीं किया, आपकी गलती है। अब ये है कि आपको लाभ हानि बराबर बांटने पड़ेंगे, चाहे किसी ने कम मेहनत की, ज़्यादा मेहनत की, कैपिटल कम लगाई, ज़्यादा लगाई। अगर आपने राइटिंग में अग्रीमेंट नहीं किया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो आपको बराबर बराबर लाभ हानि बांटना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। इसका आंसर बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, आप ये कर सकते हैं कि जब क्वेश्चन आप आए और मैं ऑप्शन पढ़ दूँ, तो आप क्वेश्चन को पॉज कर लिया करें और उसके बाद आंसर अपना मिला कैलकुलेट करने के बाद मिलाया करें। वो आपका हाथों हाथ प्रैक्टिस करवा देगा। जैसे 20 MCQs इसमें हैं, तो आपके 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे छोटे छोटे। आहरण पर ब्याज की गणना 10% की वार्षिक दर से कीजिए, यदि उसने वर्ष के दौरान 24,000 आहरण किया हो। यदि कोई पार्टनर है, उसने 24,000 आहरण किए। अब अगर अपन ब्लाइंड वे में सोचें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, तो लगेगा 24,000 का 10% होता है 2400, और आंसर शायद हम सी बोल देंगे, सी 2400, बट इसका आंसर होगा ए 1200। यानी ब्याज 2400 नहीं लगेगा, ब्याज 1200 लगेगा। नाउ आप कहेंगे, सर ऐसा क्यों? देखिए, इस क्वेश्चन में ड्राइंग का डेट पता नहीं है कि पार्टनर ने ड्राइंग कब किया, तो हम ये मानते हैं कि उसने मिड ऑफ द ईयर, साल के बीच में ड्राइंग किया होगा। इसीलिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे साल का नहीं बल्कि 6 महीने का लगेगा। इसका आंसर 1200 रुपये आएगा। चलिए जी, ये इसका आंसर 1200 आ गया है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। आप इस लाइन को पढ़िए पूरा एक साथ। साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, नहीं। साझेदारी संलेख के अभाव में आहरण पर ब्याज चार्ज किया जाएगा, नहीं। साझेदारी संलेख के अभाव में वेतन दिया जाएगा, नहीं। साझेदारी संलेख के अभाव में भी लाभों में हिस्सा दिया जाएगा, हाँ। यानी इस लाइन की कंटिन्यूटी में डी जमता है, ए बी सी नहीं जमते। हम अच्छे से जानते हैं कि अगर पार्टनर्स ने समझौता नहीं किया तो फिर उन्हें सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन लाभ तो उन्हें हर दशा में मिलेगा ही मिलेगा। हम ये भी जानते हैं कि लाभ बराबर बटेगा, ठीक है। चलिए, कहने का ये MCQs क्वेश्चन होते हैं, तो बेसिकली ये चेक करते हैं कि आपने रूल्स अच्छे से पढ़े थे या नहीं, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी या नहीं पढ़ी, प्रैक्टिकल चीज़ें आपने अच्छे से सॉल्व करी या नहीं करी। बाय द वे, अगर आपके प्रैक्टिकल इसके कमज़ोर हों, तो बेसिक पार्टनरशिप पे कुछ वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप उन्हें प्लीज़ देखिएगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। हर नई चीज़ टफ होती है, तो पार्टनरशिप भी शुरू शुरू में टफ लगेगी, लग सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको आने लग जाएगा अगर आप क्वेश्चंस करने लग गए और रूल्स जो गिवन है उसे समझने लग गए। खैर, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ये तो सब जानते हैं कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 50। एक ज़माना था या 10 और 20 का भी नियम था, बट अभी रूल ये है कि पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। सबसे गजब की बात यह है, पहले आंसर देख लेते हैं, 50 का आंसर है। सबसे गजब की बात यह है कि जो लिमिट है, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932
भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ये लिमिट नहीं दी हुई है, ये लिमिट कंपनीज एक्ट में दी हुई है। मतलब क्वेश्चन ये पार्टनरशिप का है, पर इसका जो नियम दिया हुआ है वो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, और वहाँ ये भी लिखा है कि पार्टनर्स की संख्या 100 तक हो सकती है। कुछ अगर संशोधन हो जाए तो 100 तक हो सकती है, वर्तमान में लिमिट 50 ही है। आपको 50 ही याद रखनी है, मैक्सिमम 50 पार्टनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार वेतन पाने का हकदार नहीं है। लाइन सही है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार नहीं है। सही है। साझेदारी संलेख के अभाव में वो फीस और कमीशन पाने का हकदार नहीं है। सही है। वाक्य में इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय लाभ के, सिवाय लाभ के और एक ऋण पर ब्याज होता है, उसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई ये कहे कि मुझे ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे ब्याज मिलना चाहिए क्योंकि मेरी कैपिटल ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। या तो अगर आपको ये सब चाहिए तो आप पार्टनरशिप डीड कर लो, साझेदारी संलेख बना लो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। और मैं फिर कहूँगा आपको, आप क्वेश्चन की स्क्रीन रोक रोक के सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट अच्छा तब लगेगा जब आपका ये चैप्टर पढ़ा हुआ हो थोड़ा बहुत। साझेदारों के पूंजी खातों का शेष डैश डैश कम होगा। अब ये जो वर्ड है आप उसको चिपका के पढ़ो, साझेदारों के पूंजी खातों का शेष पूंजी पर ब्याज की वजह से कम होगा, आहरण पर ब्याज से कम होगा, वेतन की वजह से कम होगा, या ऋण पर ब्याज से कम होगा। तो देखिए, पूंजी का ब्याज तो उनके खातों में जाएगा, ऋण का ब्याज भी उनके खातों में जाएगा, वेतन भी उनका खातों में जाएगा, उन सब से तो उनका शेष बढ़ेगा। इनमें से ऑड वन आउट है, यानी जो अलग है वो ये है कि आहरण पर ब्याज की वजह से इनका जो ब्याज होगा उस वजह से इनका जो कैपिटल का बैलेंस है वो कम होगा। इसका आंसर बी आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य मौखिक समझौता है, लिखित समझौता है, गर्भित समझौता है, या इनमें से कोई नहीं। लिखित समझौता है। साझेदारी संलेख, लेख मतलब है लिखा हुआ, और बकायदा स्टाम्प पेपर भी लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड को, तो वो एक लिखित समझौता है। मौखिक मुँह जबानी, और गर्भित जहाँ मुँह जबानी भी नहीं होता है, जहाँ पार्टनरशिप है ऐसा समझ लिया जाता है, पार्टनरशिप है ऐसा समझ लिया जाता है, वो गर्भित अनुबंध होता है। लेकिन बाय द वे हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि साझेदारी संलेख किस प्रकार का समझौता है, तो डेफिनेट एंड डेफिनेट ये लिखित समझौता है। इसका आंसर बी रिटर्न आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, वे व्यक्ति जो साझेदारी का निर्माण करते हैं व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं। द पर्सन हु फॉर्म्स अ पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन। साझेदारी का निर्माण करने वाले व्यक्ति, साझेदार, इसका आंसर साझेदार आएगा। हमें पता है व्यक्तिगत रूप से उनको साझेदार कहते हैं, सामूहिक रूप से उनको फर्म कहते हैं। इंडिविजुअली दे नोन एज अ पार्टनर एंड कलेक्टिवली दे विल नोन एज अ फर्म। तो इसका आंसर ब आएगा, साझेदार। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है। तो देखिए बड़ा सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। पार्टनर ड्राइंग करता है और फर्म ब्याज लेगी, पार्टनर ड्राइंग करेगा और फर्म ब्याज लेगी, तो आहरण पे ब्याज जो है वो फर्म के लिए आय है। इसका आंसर ए आएगा। चलिए बड़ी देर में मुझे मार्कर याद आया, इसका आंसर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों के चालू खातों का शेष होता है, वेल जो करंट अकाउंट होता है, तो हमें पता है कि एक होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का कोई दीन ईमान नहीं है, उसमें बैलेंस DR या CR कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर C आएगा कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस DR या CR कुछ भी हो सकता है। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे कमीशन DR भी हो सकता है, CR भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मिला है या दिया है। इंटरेस्ट DR CR कुछ भी हो सकता है। इसी तरह पार्टनर्स का करंट अकाउंट DR CR कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस की वजह से वो फ्लक्चुएट होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, साझेदारों के पूंजी खातों का डेबिट शेष नहीं हो सकता, कैपिटल का DR शेष नहीं हो सकता, अगर कैपिटल स्थायी हो, अगर कैपिटल परिवर्तनशील हो, अगर साझेदारों की संख्या कम हो, जब साझेदारों की संख्या प्राप्त हो। वेल डी ऑप्शन मुझे समझ नहीं आता, लेकिन इसका आंसर जो लगेगा वो ए लगेगा कि जब कैपिटल फिक्स हो। फिक्स कैपिटल का मतलब है उन्होंने व्यापार में इतना रुपया तो फिक्स लगा दिया, जो भी समायोजन उनको करने हैं
जरा सोचो, जो भी समायोजन को करने हैं प्लस माइनस के, वो सब कहाँ होंगे? चालू खाते में। तो उनकी जो कैपिटल फिक्स है वो फिक्स ही रहेगी। तो इस दशा में आपकी कैपिटल का डीआरनेचर नहीं हो सकता जब आपकी पूंजी स्थाई हो। ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। मैं फिर कहूँगा, थ्योरी तब अच्छे समझ में आएगी जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने आते हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं आते तो थोड़े बहुत वीडियो से हेल्प लीजिएगा। जब पूंजी खाते स्थाई होने पे साझेदारों के लाभ का अंश का समायोजन किया जाता है, कहता है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड मेथड, मैं फिर बोलता हूँ, कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो उसमें एक तो बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स वाला, और एक बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो ऐसे में जो प्रॉफिट वगैरह का एडजस्टमेंट होता है वो चालू खाते में होता है। तो पूरी लाइन क्या होती है कि अगर पार्टनर्स के खाते, पूरी बात सुनिएगा, अगर पार्टनर्स के खाते फिक्स्ड मेथड से रखे गए हैं तो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में किया जाएगा, यानी इसका आंसर ब होगा, ब, चालू खाते में इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। साझेदारों के चालू खाते का डीआर शेष दिखाया जाता है। सपोज करो एक अकाउंट आपको बुलाया गया, रवीज अकाउंट, रवीज करंट अकाउंट डेबिट, रवीज करंट अकाउंट डेबिट। तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? तो बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में, क्योंकि जिनका भी डेबिट नेचर होता है वो असेट साइड में जाता है। डेबिट और असेट को आप याद कर लीजिए जोड़े से, जो डेबिट है वो असेट में जाएगा और जो असेट में दिख रहा है उसका डेबिट नेचर होता है। तो साझेदारों का करंट अकाउंट का अगर डीआर शेष है तो ये आपको बी, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाई देगा। चलिए ऑप्शंस देख लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसे मेरा वैसे एक मानना है कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ रहा है तो आंसर सोच लेना चाहिए और फिर से ऑप्शन में ढूंढना चाहिए। जैसे जनरली कई लोग करते हैं कि पहले वो सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो कन्फ्यूज़ हो जाऊंगा। तो अगर मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता है तो फिर वो आंसर कहाँ है उसे ढूंढना चाहिए। वेल, बाकी आपकी चॉइस है। साझेदारों का वेतन, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज और कमीशन का लेखा कहाँ किया जाता है? तो पार्टनर को जो सैलरी मिलती है, पार्टनर जो ड्राइंग करते हैं उसका जो ब्याज होता है, पूंजी का ब्याज होता है, कमीशन होता है, इसकी एंट्री अपन पार्टनर्स कैपिटल में भी करते हैं और इसकी एंट्री अपन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी करते हैं। ऑप्शन जो दे रखे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका आंसर डी होगा। क्योंकि पार्टनर्स के साथ जो हमारे एडजस्टमेंट होते हैं, यानी पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को ब्याज देना है, लेना है, ये सब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। और हमें ये भी पता है कि कुछ लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये आइटम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन के आइटम है, इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बस थोड़े से बचे हैं। साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते डेबिट किए जाते हैं, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मान लो आप बना रहे हो और पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल चेंज होती है तो वो डीआर कब होती है? पूंजी पर ब्याज लगाने से? नहीं। वेतन की राशि से? नहीं। लाभों के हिस्से से? नहीं। आहरण पर ब्याज से? यस, इसका आंसर डी आएगा। इसे यूं समझिए कि कैपिटल का जो ब्याज होता है वो उनके खाते में जमा होता है, क्रेडिट होता है। वेतन का जो हिस्सा है, वेतन उनके खाते में जमा होता है, लाभों का हिस्सा भी उनके खाते में जमा होता है, जबकि आहरण पे ब्याज उनके खाते में से काटा जाता है, दैट्स वाई वो डेबिट होता है। तो इसका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा जी, साझेदारों के, वेल बाकी ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अधिकतर के आंसर तो अगर आप पहला वीडियो देखेंगे उसमें जनरल एंट्री समझाई है मैंने, तो उन जनरल एंट्रीज को आप करेंगे ना तो आपको अधिकतर आंसर आ जाएंगे, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज और वेतन कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज व वेतन क्रेडिट किया जाता है लाभानी खाते में, लाभानी नियोजन खाते में, लाभानी समायोजन खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। आपको बी लग सकता है, देखिए इन्होंने पूछा है जमा कहाँ किया जाएगा, ब्याज और वेतन, ब्याज और वेतन पीएनएल अप्रोप्रिएशन के तो डीआर साइड में जाएगा, लेकिन पार्टनर्स के वो सीआर साइड में जाएगा, तो उनके खाते में जमा होगा, तो इसका आंसर डी आएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि साझेदारों के मध्य अनुबंध ना हो तो साझेदारों को क्या मिलेगा? विक्रय पर कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा काम करने का वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऋण में अग्रिम का ब्याज मिलेगा? हाँ मिलेगा, और 6% मिलेगा। और लाभ पूंजी अनुपात में बटेगा? नहीं बटेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कि सी वाला आंसर है ना, कि अगर साझेदारों के मध्य कोई अग्रीमेंट ना हो
साझेदारों के मध्य कोई अग्रीमेंट ना हो तो उनको ना कमीशन मिलेगा, ना वेतन मिलेगा, ना कैपिटल अनुपात में लाभ मिलेगा। बाय द वे उनको ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका आंसर देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्या है, नियोजन है कि व्यय है। देखिए, जो खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, आप जिसकी माफ़ी नहीं ले सकते, वो तो होता है व्यय या होता है प्रभार। लेकिन पूंजी पर ब्याज होता है वो लाभ होने पर दिया जाता है। लाभ होंगे तो देंगे, नहीं देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो पूंजी पर ब्याज एक तरह का नियोजन है, ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज एक नियोजन है। जैसे खाना है, हमें खाना ही खाना है, चाहे हम कमाएं चाहे नहीं कमाएं, कहीं से भी ला के खाना ही है। लेकिन गोवा ट्रिप पर जाना है, फॉरेन टूर पर जाना है, वो तभी बातें अच्छी लगती है जब हमारे पास लाभ हो, कमाई हो, वरना उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज आप स्किप भी कर सकते हैं। लाभ है तो दे दो, ना है तो मत दो, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन आता है, ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं, लाभ हानि का विभाजन 4:1 में करते हैं, सी उनका मैनेजर था, 2,000 रुपये प्रति माह उसको वेतन मिलता था, इसके अलावा, अच्छा वेतन के अलावा उसे विशुद्ध लाभों पर 5% कमीशन मिलता था, वर्ष का लाभ वेतन चार्ज करने से पहले 339,000 है, तो सी को कुल राशि कितनी प्राप्त होगी। तो बेसिकली आपका लाभ दे रखा है, पहले तो वो बोलेगा आपको कि कमीशन वेतन दे दो, तो पहले तो आप क्या करना, जो 339 है, अच्छा पैन अच्छे से चल नहीं रहा, 339 है उसमें से पहले तो आप उसकी सैलरी दे देना, ठीक है, सैलरी देना, और फिर जो आपके पास 315,000 बचेगा ना, उस पर आप इसको कमीशन दे देना। 5/105 का एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक से आप इसको दे देना, 5/105 से। थोड़ा काला पीला हो गया, ठीक है। तो आप इसका आंसर देख लीजिए क्या है, इसका आंसर होगा 39,000 रुपये। कैसे आएगा, पहले आप 339,000 में से इसको सैलरी दे देना, 315,000 आएगा, उस पर 5/105 अप्लाई करेंगे तो आपका 15,000 आ जाएगा। तो 24,000 वेतन है, 15,000 कमीशन है, और टोटल इसका 39,000 बनेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच ध्यान से सुनने के लिए। ओके जी, चलिए।